नमस्ते इंडिया। कोकम एक ऐसा फल है जो कि छोटी छोटी बैंगनी बेरी की तरह नजर आता है। देखिए, वैसे तो इंडियन किचन में कोकम का इस्तेमाल जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, मगर बहुत ही पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल जो है वो चिकित्सा के तौर पर किया जाता आ रहा है। इसके अंदर औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से आप कई तरह के फायदे इससे ले सकते हो। तो बिना देर किए आज हम जानेंगे कि कोकम के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। कोकम का इस्तेमाल करके आप पाचन को स्वस्थ बनाए रख सकते हो, यानी कि पाचन को हेल्दी बना सकते हो। कब्ज जैसी प्रॉब्लम में भी आपको मदद कर सकता है, और पेट में होने वाली हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में, जैसे कि पेट फूलना, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में कोकम आपकी मदद कर सकता है। कोकम का सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ वाले जो भी मरीज होते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप, अगर आपको डायबिटीज़ हो तो आप डॉक्टर की सलाह से आप कोकम का सेवन कर सकते हो। कोकम का इस्तेमाल पुराने ज़माने से वज़न घटाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। देखिए, ये कोकम जो है, अगर आप इसका सेवन करते हो तो इससे भूख जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने से रुकता है, जिसकी वजह से आपका वज़न घटाने में मदद कर सकता है। अगर आपको सूजन हो या तो फिर पैरों में गठिया जम जाती हो और तो जोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इस दौरान भी आप कोकम का इस्तेमाल कर सकते हो। कोकम इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही शरीर में होने वाले अलग अलग इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। स्किन को यूवी किरणों से होने वाले डैमेज से, खासतौर पर जो कैंसर की कोशिकाओं होती है उसको बढ़ने से रोकने में मदद करता है। तो ये सारे कोकम के फायदे थे। हालांकि आपको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि आपको कोकम का सेवन कब नहीं करना चाहिए। खास तौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हो तो इस दौरान आपको कोकम का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती हो उनको भी कोकम का सेवन नहीं करना चाहिए। और तो और, अगर आप इसका बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हो, यानी कि इसका जूस या तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा खा लेते हो, तो आपको डाइजेशन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा इसको कंट्रोल में ही कंज्यूम करना चाहिए।